फोटो वोटर स्लिप केवल मतदान पर्ची के आधार पर ही वोटिंग का अधिकार नहीं मिल पाएगा, इसके साथ साथ कोई ना कोई इन 11 में से एक पहचान पत्र लाना पड़ेगा। जो पहचान पत्र की जिसकी हमने आपको लिस्ट दे दी है, अखबार में भी हमने पब्लिश करवा दिया है, आगे और साथ में हमने प्रबंधन भी लगाया है, सारे प्रबंधन में हमने सबमिट कर दिया है, सारे प्रबंधन को आपने निर्देश दिए हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है बताया जा रहा है। सेकेंड, हमारे पूरे जिले में टोटल अगर आप पूरे जिले की बात करें, सिमरिया और कठुआ और कुछ बड़का गांव के जो 20 पोलिंग स्टेशन आते हैं, तो बड़का गांव के 20 पोलिंग स्टेशन आने के साथ में हमारे पूरे जिले में 914 पोलिंग स्टेशन होते हैं, 914 पोलिंग स्टेशन होते हैं। और पहले के पूर्व के वर्षों में पूरे 914 पोलिंग स्टेशन को चतरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही इलेक्शन कराए गए। तो जो इस बार ये चेंज हुआ है, इस बार एक दूसरा चेंज ये हुआ है, एक तो मैंने फोटो वोटर स्लिप के बारे में बता दिया, दूसरा एक चेंज ये हुआ है कि जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं बड़का गांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वहाँ पर मतदान कर्मी रामगढ़ जिला के द्वारा भेजे जाएंगे। वहाँ रामगढ़ से जिला से मतदान कर्मी आएंगे, वहीं से EVM आएंगी, वहीं से मतगणना, वहीं से मतदान कर्मी आएंगे और वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन जो सिक्योरिटी वाले हैं वो हमारे होंगे, मतदान कर्मियों के साथ सिक्योरिटी चतरा जिले से होगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे होंगे, जोनल मजिस्ट्रेट हमारे होंगे, प्राइम सिक्योरिटी हमारी होगी, किसी और तरीके का कोई भी अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनेगा उस दिन 20 पोलिंग स्टेशन में, मान लो उस दिन कोई झगड़ा हो जाता है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको वहाँ पर टैकल करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल मतदान कर्मी हैं जिनको पोलिंग करवानी है, जिसमें प्रेजाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 है और EVM वीवीपैट बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट, ये DEO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी रामगढ़ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है।